जेपी नड्डा ने टीकाकरण के लिए विपक्ष को घेरा, कहा टीकाकरण अभियान में रोड़ा अटकाना चाहता है विपक्ष। भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया चिट्ठियों की राजनीति करने का आरोप। नमस्कार, मैं रुचि पांडे राजनीति दरबार में आप सभी का स्वागत करती हूं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। जेपी नड्डा ने कहा कि गत एक वर्ष में विपक्ष देश में टीकाकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। जेपी नड्डा ने यहां कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि विपक्ष चिट्ठियों की राजनीति कर रहा है और केंद्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। जेपी नड्डा ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा कि कांग्रेस जिस प्रकार से चिट्ठियां लिखकर केंद्र सरकार को टीकाकरण प्रक्रिया में बाधा आने के लिए इतला कर रही है, उससे पहले कांग्रेस को स्वयं अपने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख इसके लिए जवाब मांगना चाहिए। जेपी नड्डा ने ये सब अपने एक खास कार्यक्रम सेवा ही संगठन में किसान मोर्चा द्वारा देश भर में कोविड हेल्प डेस्क के कार्यक्रम को शुरू करने की बात में कहा। जेपी नड्डा ने किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई सभी योजनाओं को पहुंचाने को कहा। जेपी नड्डा ने सभा में कहा कि मोदी सरकार ने कोरोना की पहली लहर में ही वैक्सीन विकसित कर ली थी, पर विपक्ष ने हमेशा से ही इसमें कमियां ढूंढी हैं। वैक्सीन के पहले ट्रायल के दौरान विपक्ष ने तरह तरह के सवाल खड़े किए थे, उसके बाद टीकाकरण प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी विपक्ष ने टीकाकरण से जुड़ी झूठी अफवाहें फैलाई। अब एक बार फिर देश में जब कोरोना के टीकाकरण की प्रक्रिया चल रही है तो विपक्ष चिट्ठियों की राजनीति कर रहा है। जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता जनता के बीच जाएं और विपक्ष के ऐसे काले मंसूबों का पर्दाफाश करें। जेपी नड्डा ने यहां केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए किए गए सभी कार्यों को गिनाया, जिसमें MSP पर खरीदे गए गेहूं, किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी गई राशि, सॉयल हेल्थ कार्ड, नीम कोटेड यूरिया जैसी भेजी गई सुविधाओं का जिक्र था। जेपी नड्डा ने दावा किया कि केंद्र सरकार की ओर से वैक्सीनेशन के लिए सभी तैयारियों को पहले ही पूरा कर लिया गया था, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट के एक अधिकारी ने अपने बयान में जो खुलासा किया है वो तो केंद्र सरकार को साफ तौर पर झूठा बता रहा है। दरअसल कोविड वैक्सीन की हो रही किल्लत पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुरेश जाधव ने कहा कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन के स्टॉक के बारे में जाने बगैर और WHO की गाइडलाइन को फोकस किए बिना ही 18+ के आयु वर्गों के लिए टीकाकरण की इजाज़त दे दी थी। SII ने सीधे सीधे वैक्सीन की किल्लत का ठिकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा है, तो जेपी नड्डा ने शायद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के इस बयान को नहीं सुना, क्योंकि अगर सुना होता तो विपक्ष पर टीकाकरण की प्रक्रिया में रोड़ा अटकाने की बात नहीं कहते और वैक्सीन की हो रही किल्लत की समस्या पर ध्यान देते। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन अन्य राजनीतिक खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए राजनीति दरबार। धन्यवाद।